नमस्कार, एसीपी न्यूज के टॉप 5 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहित। सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत के लिए केंद्र सरकार ने नरम रुख अपनाया। वहीं देर रात कृषि मंत्रालय ने 32 किसान संगठनों को वार्ता के लिए लिखित निमंत्रण भेज दिया है। बातचीत मंगलवार दोपहर 3 बजे दिल्ली में होगी। यह जानकारी भारतीय किसान यूनियन के पंजाब के प्रधान हरमीत सिंह कादियान ने दी। अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी कम्युनिकेशन यानी प्रेस टीम में सिर्फ महिलाओं को ही रखा है। ऐसा करने वाले वे पहले राष्ट्रपति बने हैं। कम्युनिकेशन की 7 सदस्यीय टीम का नेतृत्व केट बेंडिंग फील्ड करेंगी। वहीं भारतवंशी नीरा टंडन को इकोनॉमी टीम में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। ट्रायल के नतीजों के ऐलान के साथ ही देश में कोविड वैक्सीन पाने व उसे दूसरी जगहों पर पहुंचाने की कवायद तेज हो गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक JB सिंह ने बताया कि हमारे एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार हैं। जैसे ही निर्देश मिलता है हम वैक्सीन लॉजिस्टिक्स का काम शुरू कर देंगे। दादरी विधानसभा से निर्दलीय विधायक व सांगवान खाप के प्रधान सोमवीर सांगवान ने पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। सांगवान ने सोमवार को सांगू धाम पर आयोजित सर्वजातीय पंचायत में किसानों को समर्थन देते हुए घोषणा की कि वह सांगवान खाप को लेकर दिल्ली के लिए कूच करेंगे। कोविड-19 का साया कुरुक्षेत्र में होने वाले इंटरनेशनल गीता महोत्सव पर भी पड़ गया है। अब की बार 18 दिन की बजाय यह उत्सव 9 दिन का ही होगा। यही नहीं, तमाम बड़े आयोजनों पर कोविड की वजह से कैंची चल गई है। गीता महोत्सव के सबसे बड़े आकर्षणों में सुमार शिल्प मेला नहीं लगेगा। अब तक के लिए इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए ACP न्यूज़।